कर दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी में वाकई में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जोरदार तमाचा इसलिए पड़ता हुआ नजर आने वाला है अंजलि के मुंह पर, क्योंकि अंजलि ने जो करतूत करी है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और जल्दी ही अंजलि होगी आखिरकार जेल के अंदर। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रीता इस समय इन लोगों को इसकी औकात याद दिलाती हुई नजर आने वाली है एक बार अंजलि को, क्योंकि अंजलि ने जो किया है वो उसने बहुत घटिया किया है और इस चीज़ के लिए कभी भी माफ नहीं करेगी प्रीता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रीता के ऊपर ही अटैक कर दिया है इस लड़की ने। और ये प्रीता कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी आए और कोई भी उसके ऊपर अटैक करे, क्योंकि प्रीता बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं। लेकिन लगातार अंजलि जो लगातार स्टेप कर रही हैं एक से बढ़कर एक नए नए स्टेप, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। और इधर बोलती हुई नजर आने वाली हैं आखिरकार प्रीता कि अंजलि को तो उसकी सज़ा दिलाकर ही रहूँगी, क्योंकि दोस्तों अंजलि ने जो भी कुछ किया है अब उसकी सज़ा दिलाने के लिए आखिरकार क्या नया स्टेप लेती हुई नज़र आती हैं प्रीता जेल के बाद, अब वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है। जहां पर बात की जाए ऋषभ की, तो ऋषभ अब बहुत अच्छी तरीका से गले लगते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फाइनली इतनी दिनों के बाद ही सही, लेकिन फाइनली घर में खुशियाँ आई हैं। और ये बात सत्य है कि इस घर के लिए वाकई ने ऋषभ और प्रीता ने जितना कुछ किया है शायद इतना किसी और ने किया हो, क्योंकि दोस्तों प्रीता और ऋषभ ने इस घर के लिए जान हाजिर कर दी थी ताकि ये घर हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि कहानी में असली विलेन आना तो बाकी, अभी पृथ्वी की दोबारा से फिर एंट्री हो रही है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करें जरूर बताइए गाइस। थैंक यू सो मच।